किस तरीके से इसे जो है लोगों को खुश करना था, उस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना था और इसे उसी रास्ते पर जाना था जिस रास्ते पर विवेक अग्निहोत्री गया था। अब दोस्तों इस वीडियो में ना पूरी तरीके से हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं इनकी इस मूवी का कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, दूसरी लेडी से शादी करी, उसके बाद ये पहली वाइफ के टच में थे जो इनकी एक्स वाइफ थी, उसके बाद इन्होंने दूसरी वाइफ को भी डाइवोर्स दिया, उसके बाद जो पहली वाइफ थी उससे इन्होंने शादी कर ली। यानी इन्होंने अपनी जिंदगी में 3 बार शादी करी। बट ध्यान रखना, ही इज नॉट ए मुस्लिम। तब्बू को कौन नहीं जानता? तब्बू आप अजय देवगन के साथ मूवी में देख लो, आप सलमान खान के साथ देखा होगा आपने, बहुत सारे टॉप एक्टर हैं इंडिया में उनके साथ देखा होगा। एक्चुअल में उनका नाम है तबस्सुम फातिमा। हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में वेलकम है। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे प्रोपेगेंडा अगेंस्ट मुस्लिम, जो हम दो हमारे जो की जो मूवी है उनके जो एक्टर हैं जो मेन रोल निभाने वाले अनु कपूर, उनके पर फुल एक्सपोज हुए, उनका झूठ जो पकड़ा गया, जो हम दो हमारे बारे मूवी में उन्होंने दिखाया कि एक मुस्लिम के हम दो हमारे 12 बच्चे होते हैं तो उसके अगेंस्ट में है, फुल एक्सपोज हुए हैं जो उसने मूवी बनाई है। तो और इस वीडियो को जिसने बनाया है जो अरबाज ऑफिशियल ने बनाया है, तो आज उसके ऊपर हम रिएक्शन देंगे कि कैसे अनु कपूर खुद फुल एक्सपोज होके जो मूवी में उन्होंने काम किया था हम जो हमारे बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उनका जो झूठ है पकड़ा गया है फुल एक्सपोज होने वाला है। चलिए वीडियो को हम देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पेज को फॉलो लाइक कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे है अनु कपूर फुल एक्सपोज हुए। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों पॉइंट पे आता हूँ, आज मैं पूरी तरीके से अनु कपूर को एक्सपोज करने वाला हूँ। अनु कपूर को तो जानते होंगे, ये वो इंसान है जो एक मूवी लाने वाला था, यानी इसके डायरेक्टर जो है कमल चंद्रा थे, लेकिन उसमें ये एक्टर था यानी लीड रोल कर रहा था। मेरे मन में इस इंसान के लिए ना बहुत इज्जत थी, लेकिन इज्जत ना पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। मसला क्या बताऊं, ये मूवी लाने वाला था हम दो हमारे वाला, और यहाँ पे इसने एक पोस्टर को रिलीज किया। जब पोस्टर रिलीज किया तो हुआ क्या है, तहलका मच गया। मतलब एक तरह से पूरी दुनिया से लोग खड़े हो गए कि ये मूवी बैन हो जानी चाहिए, और ऑब्वियसली मुस्लिम लोगों ने कहा ये मूवी बैन हो जानी चाहिए क्योंकि ये एक तरीके से ये पूरी कौम को बदनाम करने के चक्कर में है, और ये रियल वाली बात थी। और इसी का सहारा लेकर बहुत सारे न्यूज आर्टिकल आप देख सकते हो जहां पर मुस्लिम जनसंख्या विस्फोट, इस तरह के आर्टिकल का सहारा लिया गया। यानी ये वो इंसान है जो 2014 के बाद जो नकली देशभक्ति मैदान में आई है ना इंडिया में, उसी का ये एक हिस्सा है कि किस तरीके से इसे जो है लोगों को खुश करना था, उस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना था और इसे उसी रास्ते पर जाना था जिस रास्ते पर विवेक अग्निहोत्री गया था। अब दोस्तों इस वीडियो में ना पूरी तरीके से हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं इनकी इस मूवी का कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से बॉलीवुड जो है अपनी मूवीज को बेचता है, नाम को बेचता है, लोगों को बेचता है, इमोशन को बेचता है सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, और ये एक्चुअल में किसी के भी नहीं है। मैं दोस्तों बता देता हूं, हम दो हमारे वाला, ये स्लोगन आपने सुन रखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, ये था हम दो हमारे दो। ये कांग्रेस ने अपने समय यूज किया इसको, बीजेपी ने भी यूज किया। अब यहां कोई बुरी बात नहीं है, मतलब है कि था कि आपको था जनसंख्या में भारत जो है पूरी दुनिया में दो ही नाम आते हैं, चाइना और इंडिया। अब ऐसे में आपको पता होगा कि जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए इस स्लोगन का यूज किया गया। कौन सा था? हम दो हमारे दो का यूज किया गया, यानी वाइफ और हस्बैंड और हमारे बच्चे, छोटा परिवार सुखी परिवार, इस तरह की बहुत सारी चीजें निकाली भी गई अपने अपने टाइम। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सवाल यह है कि इसका सहारा लेकर जब आप एक कौम को या धर्म को टारगेट करते हो ना, वहां प्रॉब्लम हो जाती है। अनु कपूर तो चलो एक तरीके से पैंतरा है, मैन है कमल चंद्रा, ये डायरेक्टर है इसके, इन्होंने एक मूवी बनाई जिसका नाम रखा है ना हम दो हमारे वाला। इन्होंने कहने की कोशिश की कि यार हम ना एक्चुअल में किसी कौम को टारगेट नहीं कर रहे हैं, इसको धर्म के हिसाब से नहीं ले। भाई एक बात आओ, तुम्हारा जो पोस्टर है जो अनु कपूर ने इस पोस्टर को डाला, इसमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि आप किसे टारगेट कर रहे हो। यहाँ पर आप देखोगे कि मुस्लिम फैमिली है, यहाँ पर बुर्का देख सकते हो, टोपी देख सकते हो। भाई आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप जो कर रहे हो वो दुनिया को समझ में आता है, दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है। ये एग्जैक्टली जून में वो रिलीज होने वाली थी, लेकिन वो किसी तरीके से रिलीज नहीं हो पाई। हमने सोचा यार अनु कपूर तो बहुत अच्छे इंसान होंगे, उनकी जो जिंदगी होगी बहुत ही बढ़िया होगी, वो खुद दो होंगे, उनके 2 बच्चे होंगे, चलो उनकी जिंदगी में ताका झांकी करते हैं। वैसे ताका झांकी नहीं होनी चाहिए, किसी की पर्सनल लाइफ है। लेकिन जब तुम एक पूरी कौम को जगाओगे, पूरी दुनिया को जगाने की कोशिश करोगे और अपनी वीडियो से मैसेज देने की कोशिश करोगे कि ये जो कौम है, ये जो मजहब है, यहाँ पर लोग ज्यादा शादियां करते हैं, ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, तो लोग तो आपको चेक करेंगे। जब हमने इनकी जिंदगी को चेक करा तो पता क्या पाया, तो इन्होंने खुद अपनी जिंदगी में 3 शादी कर रखी है। जी हाँ,
अन्नु कपूर जो मूवी बना रहे हैं ना, कौन से वाले, हम दो हमारे बारह, जहाँ पर ये मुस्लिम कौन कौन टारगेट कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं या ज्यादा बीबियां रखते हैं। अन्नु कपूर ने खुद 3 बार शादी कर रखी है, यानी पहला जब इनकी शादी हुई, सबसे बड़ी बात अन्नु कपूर कोई मुस्लिम नहीं है इसलिए हम निकाह नहीं बोलेंगे, शादी बोलेंगे। इनकी जब पहली शादी हुई उसके बाद क्या हुआ, इनका अफेयर कहीं चल रहा था दूसरी जगह, तो इन्होंने पहला डाइवोर्स दिया और उसके बाद दूसरी शादी कर ली इन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं। जब दूसरी शादी कर ली उस समय भी ये एक्स्ट्रा अफेयर में थे, किसी से इनका अफेयर चल रहा था, वो अफेयर चल रहा था इनकी पहली वाली वाइफ से, समझ रहे हो, यानी पहली वाइफ जिसको डाइवोर्स दे चुके थे, ये दूसरी लेडी से शादी करी, उसके बाद ये पहली वाइफ के टच में थे जो इनकी एक्स वाइफ थी, उसके बाद इन्होंने दूसरी वाइफ को भी डाइवोर्स दिया, उसके बाद जो पहली वाइफ थी उससे इन्होंने शादी कर ली, यानी इन्होंने अपनी जिंदगी में 3 बार शादी करी। बट ध्यान रखना इज नॉट ए मुस्लिम, ये निकाह नहीं किए, इन्होंने शादी की है। उसके बाद आप सोच रहे हो बच्चे तो इनके 2 होंगे यार, क्योंकि ये तो स्त्री का पालन करते हैं। नहीं नहीं नहीं, तोबा तोबा तोबा, इनके 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। मतलब दूसरों को ज्ञान देने वाले इंसान जो ये कह रहे हैं हम दो हमारे 12 किसी और को टारगेट कर रहे हैं, इनकी खुद की जिंदगी में जाओगे तो मूवी बननी चाहिए, हम दो हमारे कांड 3 और बच्चे 4 और पूरी प्रोपेगेंडा। अब सवाल ये आता है दोस्तों, ये पोस्टर रिलीज करने का मकसद क्या था? मैं इतना क्रिटिसाइज क्यों कर रहा हूं, मेरा काम नहीं है, ये ओल्ड अरवाज को ना ये बार बार जो बैक कर रहे हैं, मकसद क्या है? मकसद ये है दोस्तों, इससे एक परसेप्शन क्रिएट होता है, परसेप्शन होता है आपका, जहां आप किसी भी चीज को, ब्रह्मत चीज को आप रियल मानने लग जाते हो, उसे बोलते हैं इल्यूजन टू रियलिटी। ये कैसे काम करती है मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने बचपन में सुन रखा होगा कि जो कच्चा दूध होता है ना, कच्चा दूध मिल्क होता है, इसमें अगर आप पेंसिल के छिक्कल डालोगे तो वो रबड़ बन जाएगी सुबह को, ये हम सब ने सुन रखा था, आपने भी सुन रखा होगा और आपने कभी ट्राई भी किया होगा, लेकिन वो एक्चुअल में रियल नहीं था, लेकिन हमने इतना सुन रखा था हमें वो लगता था इल्यूजन टू रियलिटी, यार ये सच होता है। ऐसे हमने ऐसे बहुत सारी चीजें सुन रखी थी, जैसे मोर के पंख को अगर आप पेपर में रखोगे तो वो दुगने हो जाएंगे, इसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं था। इसी तरीके से आपने बहुत सारी चीज सुन रखी होंगी जो आपको रियल लगती होंगी, लेकिन वो एक्चुअल में रियल नहीं थी, सिर्फ झूठ के बेस पर बनाई गई थी। बचपन में आपने कहा होगा एक जादू वाली पेंसिल थी, लेकिन हमें रियल लगती थी, एक्चुअल में वो रियल नहीं थी, यानी ये मार्केटिंग थी इसको बेचने का तरीका। जब ऐसे लोग अन्नु कपूर जैसे, जिसके लिए एक इंडिया में एक इज्जत थी पहले, अभी इज्जत नहीं है, ऐसे लोग इस तरह के पोस्टर रिलीज करेंगे, और मैं कहता हूं अगर उस मूवी में कोई भी चीज गलत नहीं थी, वो मूवी अभी तक रिलीज क्यों नहीं हुई? हो सकता है रिलीज हो जाए, सवाल ये नहीं, सवाल ये है दोस्तों इनकी नियत पर शक होता है। अब दोस्तों बताना चाहता हूं कि बॉलीवुड ने केवल एक धर्म को टारगेट नहीं किया, कौम को टारगेट किया है, सबको टारगेट किया है अपने से प्रॉफिट के लिए। अब मैं कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं आपको जो आपने आज से पहले नहीं सुन रखी होगी। एग्जांपल के तौर पर जैसे इस इंसान ने बताने की कोशिश की कि ये लोग जो है ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो इस हिसाब से इंडिया में या भारत में या दुनिया में सबसे बड़ी फैमिली कौन होनी चाहिए? मुस्लिम फैमिली होनी चाहिए। रियलिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ, रियलिटी है कि दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली जो है भारत में रहती है, वो जगह है मिजोरम, और ये टूरिस्ट पॉइंट है क्योंकि इस फैमिली में 167 लोग रहते हैं, और जो उसका मुखिया है उसने कितनी शादी करी? 39। उसने निकाह नहीं किया, लेकिन निकाह तो जब होता है वो जब मुस्लिम नहीं था तो उसका निकाह नहीं हुआ, उसकी शादी हुई और कितनी हुई? 39 शादी। बच्चे तो मैं बता ही नहीं सकता आपको, कुल मिलाकर उसकी फैमिली में 167 लोग जो है रहते हैं। उसका जो घर है ना, वो घर में पूरी हवेली है, उस हवेली जो है 4 मंजिला है, और उसमें जो रूम है ना वो 100 रूम है। जब आप मिजोरम जाओ ना तो वहां जरूर जाना, वो एक तरह से टूरिस्ट पॉइंट जगह है, वहां पर लोग घूमते हैं। सवाल ये है इस चीज को हाईलाइट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये इनके प्रोपेगेंडा में शामिल नहीं होता। सोचिए इस पोस्टर से ये दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि ये कौम ज्यादा बच्चे पैदा करती है, रियलिटी क्या है ये आपको पता ही है। उनके दिमाग में डाला जाता है कि यार मुस्लिम तो 3 वाइफ करते हैं, कितने बच्चे होते हैं, इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में, मतलब 27-28 साल की जिंदगी में, मैं एक ऐसी फैमिली से कभी नहीं मिला जिसकी मौजूदा 4 वाइफ हो। ये तो सुन रखा होगा कि वाइफ थी, डाइवोर्स हो गया या वाइफ खत्म हो गई, दूसरी कर लिया, विडो हो गई, लेकिन मौजूदा तो मैंने नहीं सुन रखी भाई। और अगर इतने बड़े देश में अगर 2-4 केस निकल जाएं, तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं करता। ये है इल्यूजन टू रियलिटी, आप मानते क्या हो और सच क्या है। अब मैं दोस्तों आपको बॉलीवुड की वो कुछ चीजें बताने वाला हूं जिन्होंने सिर्फ पैसे के लिए कुछ नामों को बेचा, और जिस नामों से आपको लगता है कि यार ये नाम एक्चुअल में ये हैं, लेकिन उसके पीछे का रियल नाम क्या था ये मैं बताने वाला हूँ आपको। आपके सामने मीना कुमारी, आपको बताया अपने समय की वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस कह सकते हो, अपने समय की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी के नाम से जानते हो। एक्चुअल में आपको बताया उनका नाम क्या था? उनका नाम था महजबी वानो। बॉलीवुड ने मीना कुमारी के नाम से उनको हाईलाइट किया। ट्रेजेडी क्यों बोला जाता था उनको? मधुवाला तो दुनिया पता है भाई, उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया, करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया अपने समय में। उनका एक्चुअल में नाम था मुमताज जहां बेगम। नरगिस दत्त को सब लोग जानते हैं, उनका नाम था फातिमा रशीद। मानदत्त दत्त को सब जानते हैं, संजय दत्त की जो वाइफ है, मौजूदा वाइफ, जो तीसरी वाइफ है उनकी। सबसे बड़ा सवाल यही आ गया कि संजय दत्त जो है इज नॉट अ मुस्लिम, समझ रहे?
फिर भी उनकी तीन वाइफ रही हैं अपनी जिंदगी में, और ये मानदत्त दत्त है। एक्चुअल में इनका नाम क्या है, इनका नाम है दिलवाज शेख। उसके बाद निम्मी को तो आप सब जानते होंगे, जो इनका नाम है नवाब वानो। उनके बाद रीना राय को कौन नहीं जानता, उनका नाम है सायरा अली। उसके बाद तब्बू को कौन नहीं जानता, तब्बू आप अजय देवगन के साथ मूवी में देख लो, आप सलमान खान के साथ देखा होगा आपने, बहुत सारे टॉप एक्टर हैं इंडिया में उनके साथ देखा होगा। एक्चुअल में उनका नाम है तबस्सुम फातिमा। श्यामा को कौन नहीं जानता, अपने समय की मशहूर आप एक्टर कह सकते हो, वह खुर्शीद अख्तर, उनका नाम था खुर्शीद अख्तर। ये मैंने आपको 8-9 नाम बताए, ऐसे में काला चिट्ठा आपके सामने हजार जगह खोल सकता हूँ जो एक्चुअल में आपको इनके नाम से जानते थे और आपको लगता होगा यार एक्चुअल में ये वही है 28-30 साल से, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, एक्सेस मिल गया और आपको रियलिटी सामने आ गई। करना क्या है, सिंपल सा तरीका है, जब कभी भी आपको लगे, केवल ये मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, बॉलीवुड ने सबको बदनाम किया, नो डाउट, मैं सबको कहता हूं, सबको यूज किया, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। जब आपको लगता है कि यार आपको टारगेट किया जा रहा है या धर्म को टारगेट किया जा रहा है, तो जो इंसान मूवी बना रहा है उसकी निजी जिंदगी पे जाओ, वहां से आपको सबको सामना आ जाएगा। क्योंकि इंसान की जो फितरत है वो फितरत बहुत अलग तरह की होती है, और प्रॉफिट पैसा कमाने के लिए वो फितरत अलग तरह की बन जाती है। जो आप मानते हो भ्रम, लेकिन वो रियल क्या होता है। और ये मैं जो नाम बताया ना, ये कुछ नाम है ऐसे, मैं आपको 200, 500, 100 नाम बता सकता हूँ बॉलीवुड में, जो एक्चुअल में आप उन्हें किसी और नाम से जानते होंगे, और रियल नाम देखोगे तो कुछ और नाम होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की, किस बड़े लेवल से प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अन्नू कपूर, कुछ शर्म बची है आपको, अब वो जमाना नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, वैसे भी आप लोगों को काम नहीं मिल रहा, और काम नहीं मिलने की वजह से शादी आप इस तरह की हरकत कर रहे हो, और मुझे अफसोस होता है। आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा है, इस वीडियो को शेयर करना है, उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पर जाना है, वहाँ पर मैंने स्टोरी डाल रखी, रील डाली है, उसको भी आप शेयर करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस समय ओल्ड अरवाज इज बैक, भाई मैं वापस आ चुका हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों का प्रोपोगेंडा रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम ही इनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई शो। तो गाइस आपने देखा कि किस तरह से एक गुंडा फिल्म बनाई गई थी, बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेटिव मूवी थी, वीडियो थी। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो लाइक कर लें।